सर्कस वन टाइम वॉच. सीन की बात की जाए तो कौन सी सीन बेस्ट थी? सीन जैसे देखो तो कोई भी सीन बेस्ट नहीं है, सिर्फ कॉमेडी भर भर के है. आपको बीच बीच में हंसाएगी, बीच बीच में बोर करेगी. तो कॉमेडी आपको किस तरह लगी? कॉमेडी लेके हम तो जैसे व्हाट्सएप पे और इंस्टाग्राम पे आजकल देखते ही है, वैसे ही सब रिपीट हुआ है, तो कुछ खास नहीं है. सो ऐसा अगर वन टाइम वॉच है, अगर आपको कॉमेडी घर बैठे बैठे. कौन सी मूवी देखी? सर्कस. कैसा रहा मूवी? एक नंबर, अच्छी लगी. सीन की बात करें, कौन सा सीन अच्छा लगा आपको सबसे? सीन तो जब सबको एक साथ मिल के सब मिले ना, वो वाली अच्छी लगी. कॉमेडियन की बात करें, कॉमेडी की बात की जाए तो कॉमेडी? हाँ, कॉमेडी मूवी है. रणधीर की इसमें काम रोल ज़्यादा अच्छा लगा. फाइव स्टार में कितना स्टार देना चाहेंगे? चार. कौन सी मूवी आपने देखा? सर्कस. कैसा रहा? बहुत अच्छा था, हमें बहुत अच्छा लगा मूवी. बहुत अच्छा था. सीन की बात करें, कौन सा सीन बेस्ट है सबसे? सबसे अच्छा लास्ट पार्ट वाला सीन है. हाँ, जिसमें नाम ब्रदर साथ में आते हैं, वो वाला सीन बहुत अच्छा है. और हाँ, बहुत अच्छा मैसेज है उसमें, लाइक ऑर्फेन चिल्ड्रंस का. और आपको? वही, और लास्ट में जो नाम लिए है वही. कॉमेडी में कितना मजा आया? कॉमेडी में 10 out of 20. Everything was good, very nice. Five stars से कितने स्टार देना चाहिए? Five, of course. I'll give 10. 4.5. 5. अभी देखा है मैं सर्कस. कैसा रहा मूवी? बढ़िया मूवी है, कॉमिक पिक्चर है. सीन की बात किया जाए तो बेस्ट सीन कौन सी लगी? सीन की बात किया जाए सबसे अच्छी सीन कौन सी? एक फिल्म के अंदर एक का बाप एक सीन है, अब किसको मुझे याद नहीं है, लेकिन फिल्म के अंदर एक का बाप एक सीन है कॉमिक में. हंसते हंसते लोटपोट हो गए आदमी, कुर्सी के नीचे घुस गए. मतलब कॉमेडी आपको अच्छी लगी इसमें? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया. अगर फाइव स्टार बात किया जाए तो कितना स्टार देना चाहेंगे? 5 में से 5 ही देंगे, सब लोग खुश हैं. ये 35 की वजह से बढ़िया पिक्चर लेकर आए. रोहित शेट्टी साहब जो डायरेक्टर है, उनका जवाब नहीं, वो हर फिल्म बहुत बढ़िया बनाते हैं. मूवी सर आपने देखा? सर्कस देखी. सर्कस कैसा रहा मूवी? मजा आया. सीन की बात किया जाए, किस तरह से सीन अच्छी लगी आपको? बहुत अच्छा कॉमेडी मूवी है और बहुत हंसी मजाक वाला है इसमें डाला हुआ, तड़का बड़का सब. रोहित शेट्टी का डायरेक्शन है अच्छा है एकदम. तड़का में कितना आपको हंसी आई उस कॉमेडी को? बहुत आई. हाँ, लगता है मूवी ज़्यादा. मूवी देखिए, आज पहले दिन फर्स्ट शो तो 25-30-40 ही आदमी थे, लेकिन ये वेकेशन का उसको फ़ायदा मिलेगा और माउथ पब्लिसिटी से सब लोग आएंगे. तो 5 स्टार में से कितना स्टार देना? 5 में से 3.5 मेरे हिसाब से दूंगा. कौन सी मूवी देखी? सर्कस. कैसा रहा? बहुत अच्छी. बेस्ट पार्ट कौन सा लगा आपको उसे? बेस्ट सीन की बात करें? बहुत नीट एंड क्लीन है, फैमिली बैठ के देख सकती है ये मूवी. उसमें कोई भी डायलॉग वगैरह वल्गर नहीं है, सबको हंसाते हैं. लाइटली मूवी चल रही है और रोहित शेट्टी ने बहुत लाइट मूवी में भी एक मैसेज दे दिया है, जो बच्चों को गोद लेने का जो दिया है उन्होंने, बहुत अच्छा लगा. लोगों का कहना है बहुत जो है इसमें कॉमेडी है, तो आपको कैसा लगा? आप हंसी रोक पाई कि नहीं इस कॉमेडी में? हाँ, हंस सकते. कॉमेडी है फुल मूवी में, बहुत अच्छा है. 5 स्टार में से कितना स्टार देना चाहेंगे? 4. आपने सक्सेस मूवी देखी है, कैसा रहा सक्सेस? देखिए, मुझे मायूसी हुई क्योंकि रोहित शेट्टी का जो एक यूनिक स्टाइल है, एक्शन हो या कॉमेडी हो, आई एम वेरी डिसअपॉइंटेड एंड डिसग्रंटेड. मतलब जिस तरह से उन्हें मूवी बनाई, मुझे लगता है और अच्छी हो सकती थी, क्योंकि बीच में बहुत ही फोर्स्ड ह्यूमर लगा. जो जोक्स और पंचेस है वो भी मुझे इतने मज़ा नहीं आया देख के. और फर्स्ट हाफ तो फिर भी ठीक है, क्योंकि उसमें वो एक करंट लगा गाना है दीपिका पाडुकोन और रणवीर सिंह का, वो अच्छा लगा. बट सेकेंड हाफ तो बहुत ड्रैग किया है और आप रिलेट ही नहीं कर पाएंगे. मैं मानता हूँ कि वो ब्रेनलेस कॉमेडी बनाते हैं एंटरटेनमेंट और इन्जॉयमेंट के लिए, रिलैक्सेशन और रिजुविनेशन के लिए, बट थोड़ा तो सिर पर होना चाहिए. मतलब कम्प्लीटली, मतलब आई वॉज वेरी डिसअपॉइंटेड. मतलब 2.25 घंटे की मूवी है. बंटी नागी ने अपनी एडिटिंग को अपनी तरफ से क्रिस्प रखा, पर वो 2.25 घंटे भी भारी पड़ गए. सेकेंड हाफ में बहुत ड्रैग लगा और लग रहा था कि कब एंड होगा, इतनी बोरिंग और मोनोटोन. ऑक्यूपेंसी अच्छी थी, मैंने PVR में देखी, 60% ऑक्यूपेंसी थी, बट लोगों को जो अपेक्षा थी, बहुत ही फोर्स्ड ह्यूमर, कॉमेडी पंचेस भी, इतना मज़ा नहीं आया. सिनेमेटोग्राफी अच्छी है, वो रेट्रो लुक, वो ज़माना बहुत अच्छे से दिखाया 60s to 70s का. तो जमुन जॉर्ज की सिनेमेटोग्राफी अच्छी है, एडिटिंग ठीक है, बट एग्जीक्यूशन इज़ नॉट गुड. इतने अच्छे वर्सेटाइल एक्टर्स थे, सिद्धार्थ जाधव जो मराठी मूवीज़ में कॉमेडियन है, फिर सुलभा आर्या, सतीश शाह, जॉनी लीवर, सबको वेस्ट किया. संजय मिश्रा थोड़े मुझे अच्छे लगे, ही स्टूड आउट फ्रॉम द रेस्ट. बट अभी रणवीर सिंह और वरुण शर्मा की कॉमेडी अच्छी है, बट इन बिट्स एंड पार्ट्स. मतलब ऐसी नहीं कि कंसिस्टेंसी नहीं है मूवी में.
तो ओवरऑल अगर आप बोलेंगे तो मैं मायूस हुआ, मुझे मतलब रोहित शेट्टी की इतनी अच्छी अच्छी गोलमाल सीरीज भी मैंने देखी है, वो बोल सकते हैं हम लोग ब्रेनलेस कॉमेडीज और एक्शन मूवीज भी उनकी ब्रेनलेस होती हैं, बट यू आर एंटरटेन्ड। वो जो कॉमेडी पंचेस है वो जोक्स भी ऐसे थे कि मतलब आप बिल्कुल रिलेट ही नहीं कर पाओगे। आई डोंट नो क्या हुआ, मतलब एक्टर्स इतने अच्छे, जैकलिन ऑफ फर्नांडिस और पूजा हेगडे का जस्ट टाइम पास रोल था, उनके लिए कुछ करने के लिए नहीं था। जो मेन प्रोटैगनिस्ट थे रणवीर सिंह और यही थे, वरुण शर्मा अच्छी कॉमेडी करते हैं, रणवीर सिंह भी कुछ सीन्स में, पता है रणवीर सिंह की मुझे वो लुक इतनी कन्विंसिंग नहीं लगी, और जो सर्कस आपने नाम दिया सर्कस तो कहीं दिखाया ही नहीं, तो आई थिंक इट फेल अपार्ट इन बाय सेकेंड हाफ, इट वॉज हेल्टर स्केल्टर कम्प्लीटली हेवायर, और इतना जो हाइप और प्रमोशन था मूवी का मुझे दुख हुआ। विद अ हैवी हार्ट 2.5। गुड फिल्म, अच्छा था। कौन सा सीन आपको बेस्ट लगा सबसे? सीन मैं नहीं बताऊंगा, लोगों को देखने दो ना। कॉमेडियन की बात, संजय मिश्रा दी बेस्ट। सेकंड हाफ सर्कस देखी, सर्कस कैसा रहा मूवी? मजा आया। सीन की बात क्या जाए, किस तरह से सीन अच्छी लगी आपको? बहुत अच्छा कॉमेडी मूवी है और बहुत हंसी मजाक वाला है इसमें डाला हुआ, तड़का बड़का सब, रोहित शेट्टी का डायरेक्शन है अच्छा है एकदम। तड़का में कितना आपको हंसी आई उस कॉमेडी को? बहुत बहुत आई। मूवी देखिए, आज पहले दिन फर्स्ट शो तो 25-30-40 ही आदमी थे, लेकिन ये वेकेशन का उसको फायदा मिलेगा और माउथ पब्लिसिटी से सब लोग आएंगे। तो 5 स्टार में से कितना स्टार देना? 5 में से 3.5 मेरे हिसाब से दूंगा। सर्कस मूवी मैंने देखा, मूवी बहुत अच्छा रहा, बहुत लेवल पे गया है ये, और जिसको भी कॉमेडी देखना है और इस मूवी को मतलब रिव्यू देना है तो प्लीज़ इस मूवी को आना पड़ेगा देखने के लिए। पार्ट की बात किया जाए, कौन सा पार्ट सबसे पार्ट जो है इसमें डबल रोल जो है वो बहुत ही बम्पर इनाम की तरह है, और एक उसको म्यूज़िक भी बहुत अच्छे रहे हैं इस मूवी को लेके, कॉमेडी भी रहा तो कॉमेडी भी बहुत अच्छे, बहुत लेवल पे गया ये मूवी, और बहुत लेवल पे गया, लेवल नहीं बहुत लेवल पे। देखते हुए कितनी हंसी आप रोक पाए? मतलब हंसी मैं नहीं रोक पाया, लिटरली मैं बहुत फ़नी मूवी थी और मैं हंसी अपना नहीं रोक पाया, ये बहुत बड़ी बात है मेरे लिए, और इस तरीके की मूवी आनी भी चाहिए। तो 5 स्टार्स वेलकम। कैसा रहा सर्कस? सर्कस बहुत अच्छा उन्होंने काम किया, हमारे सब कलाकारों ने, रोहित शेट्टी बड़ी मेहनत करते हैं ना, जो ये पिक्चर बनाते हैं बड़ी मेहनत करते हैं और बड़ी ईमानदारी से, काफ़ी समय के बाद एक बहुत अच्छा एक सर्कस देखने का मौका मिला, काफ़ी दिनों सर्कस देखे ही नहीं था, लेकिन इन्होंने सर्कस दिखाया, कॉमेडी भी दिखाई है, आर्टिस्ट बहुत अच्छे लिए इन्होंने, हर काम अच्छा है, रोहित जी बहुत अच्छे आदमी हैं। सीन की बात करें, कौन सा सीन बेस्ट है सबसे? नहीं वो सब अच्छे हैं, हम कोई तारीफ सबकी तारीफ कर सकते हैं हम। 5 स्टार में से कितना स्टार देना चाहेंगे? 4। थैंक यू। कौन सी मूवी देखा जा? सर्कस। कैसा रहा? अच्छा था। गुड। कौन सा सीन आपको अच्छा लगा सबसे बेस्ट? जब उसके पापा आते ना बिंदु के, तब उसके पापा को जो स्लैप मिलता ना, वो सीन अच्छा लगा, रणवीर सिंह ने स्लैप दिया उसको, काल में सूख जाते हैं उसके, वो सीन अच्छी लगी उसकी। कॉमेडी कैसी रही उसमें? कॉमेडी अच्छी है मैंने लास्ट में उसका क्या बताया कि गोपाल, वो जो गोलमा पिक्चर का है, गोपाल माधव लक्की सब आते लास्ट में, और उससे एंड होती है फिल्म। 5 स्टार में से कितना स्टार देना चाहिए? 4। थैंक यू। कौन सी मूवी देखा आपने? सर्कस। कैसा रहा? 1 टाइम वॉच। सीन की बात की जाए तो कौन सी सीन बेस्ट है? सीन जैसे देखो तो कोई भी सीन बेस्ट नहीं है, सिर्फ कॉमेडी भर भर के है, आपको बीच बीच में हंसाएगी, बीच बीच में बोर करेगी। तो कॉमेडी आपको किस तरह लगी? कॉमेडी लेकिन हम तो जैसे व्हाट्सएप पे और इंस्टाग्राम पे आजकल देखते ही है, वैसे ही सब रिपीट हुआ है, तो कुछ खास नहीं है। सो ऐसा अगर 1 टाइम वॉच है, अगर आपको कॉमेडी घर बैठे बैठे बोर हो रहा है, टाइम पास करना, तब जाके देख सकते हो। 5 स्टार में कितना स्टार? 3 स्टार्स।